आपको पता टीबी होशुआ के बारे कितने लोग जानते हैं? टीबी होशुआ के बारे एक प्रॉफिट था, बहुत ही अच्छा खुदा का दास था, नाइजीरिया देश का, जिसने अपने इतने सालों में शायद उसकी सेवा कोई 32 साल की सेवा थी उसकी। अगर उसके जीवन की स्टोरी, उसके जीवन के बारे देखो, उसकी मेहनत को देखो कि उसने कितनी मेहनत की, सिर्फ अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए उसने कितनी मेहनत की, रात दिन कितनी उसने मेहनत की। अगर उसने की तो क्या परमेश्वर ने उसे ऊंचा नहीं किया? क्या उसे ब्लेस नहीं किया? किस चीज की उसे कमी रहने दी? हर चीज से परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। अभी थोड़े दिन पहले ही उनका देहांत मतलब वो मसीह में सो गए। क्या गए? अभी उनकी एज, उनकी जो उम्र थी 57, मतलब 57, और अभी 58वां वो अपना हैप्पी मतलब बर्थडे अपना मनाने वाले थे, और पवित्र आत्मा ने उनका जो बर्थडे वो 12 तारीख को होता और लिखा उन्होंने 5 तारीख को ऐसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। क्यों क्यों ऐसे किया? क्योंकि उन्हें पता था उससे पहले मैंने इस दुनिया से चले जाना, क्योंकि उनकी सेवा का कार्य क्या हो गया? पूरा हो गया। क्या हो गया? उनकी सेवा का कार्य पूरा हो गया। हाँ, ये परमेश्वर को पता है किस बंदे को उसने कब कितने समय तक रखना है, क्या करना है, ये सब उसे पता है। समझ रहे हो? पर मैं आज आपको एक बहुत ही बड़ा सत्य एक सच्चाई बताना चाहता हूं। इसलिए आज जो लोग अभी देख रहे हैं या बाद में देखें, अभी इस विषय को जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने इस बात को मेरे मन में लगाया, टीबी होशुआ के बारे में, उसके जीवन के बारे में। तो अभी हम इस जो मैं अभी बताने वाला है, इसे हम अलग से काट कर यूट्यूब में अपलोड करेंगे ताकि और लोग भी इसे सुने, और जो लोग सुने वो इस विषय को पूरा सुने, क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा ने जो मुझे अगुवाई की है, जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, उसे पूरा सुनने से ही आपको समझ आएगी। क्या आएगी? पूरा सुनने से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी बहुत से लोग टीबी होशुआ के बारे बहुत कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी खुदा के अच्छे सेविक जो दास हैं, मैं तो एक छोटा सा दास हूं उसका, क्या हूं, पर जो चीज पवित्र आत्मा ने मुझे दी है मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, तो अभी बहुत से लोग बता रहे हैं कि टीबी होशुआ स्वर्ग में चले गए हैं और स्वर्ग में उनके जाने का जश्न मनाया जा रहा है। क्या जा रहा है? स्वर्ग में उसके जाने का जश्न मनाया जा रहा है। पर मैं आज कुछ वचनों से इस सच्चाई को क्लियर करूंगा जो चीज खुदा ने मुझे दी है, ताकि सब लोग अच्छे से समझें और अपने जीवन की बाट वो भी जोते रहें। आमीन। सबसे पहले हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत। यहां पे यीशु मसीह ने एक निकुदेमस नाम के व्यक्ति को एक नए जन्म के बारे बताया। क्या बताया? फिर उसने कहा कि अभी मैंने तुम्हें पृथ्वी की बातें के तुम विश्वास नहीं करता, अगर मैं स्वर्ग की बातें करूंगा तुम कैसे विश्वास करोगे? ये 12 में लिखा है, और 13 में लिखा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो यहां पे ऐसे यूहन्ना ने ये बात लिखी, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में। क्या है? तो ये बात क्लियर करती है कि कोई भी
स्वाये जीजस के, स्वाये यीशु के कोई भी स्वर्ग पर नहीं गया। क्या नहीं गया? हाँ, पर बाइबल ये भी बताती है कि जैसे अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हनोक के जीवन के बारे, क्या है हनोक के जीवन बारे, जो अगर आप उत्पत्ति हनोक के जीवन में पढ़ना चाहते हो तो उत्पत्ति इसकी 5:21 से लेकर 24 तक पढ़ना। हनोक के बारे लिखा कि वो जिंदा स्वर्ग पर उठा लिया गया। क्या लिया गया? जिंदा स्वर्ग पर उठा लिया गया। और फिर हम दूसरा राजा, उसकी दूसरा राजा उसका 2:9-12 तक पढ़ते हैं, तो यहां पे एलिजा एक नबी जिसको परमेश्वर ने अग्निमय रथों से उसे भी स्वर्ग में ऐसे उठा लिया। क्या कर लिया? ये बात है। पर मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हाँ, यहां पे लिखा है कि हनोक जिंदा स्वर्ग पर उठा लिया गया। एलिजा को भी परमेश्वर ने अग्निमय रथे घोड़े आई और उसे भी ऐसे उठाकर ले गई, वो वंडर में उठाकर ले गई। क्या ले गई? समझ रहे हो? पर ये इन्हें 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 मौत नहीं आई, इन्हें परमेश्वर ने उठा लिया। क्या कर लिया? इन्हें परमेश्वर ने उठा लिया। पर मैं आज आपको चीज बताता हूं, यूहन्ना क्यों कहता है कि स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा, केवल वो जो स्वर्ग से उतरा वही चढ़ा, उसके अलावा कोई आज तक स्वर्ग में नहीं चढ़ा। बोलो। पर मैं ये बात किसी से लड़ने के लिए नहीं बोल रहा, हाँ, जहां किसी को लज्जित करने के लिए नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने भेद में लिखी है। क्या लिखी है? भेद में। बोलो क्या है? क्या लिखी है? भेद में। हो सकता है कि हाँ वो स्वर्ग में उठा लिए गए, जैसे लोग पढ़ते हैं जांचते हैं कि हाँ बाइबल में लिखा है कि हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया, एलिजा को उठा लिया। क्या है? उठा लिया। पर बाइबल क्लियर करती है, यूहन्ना कहता कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। क्या नहीं चढ़ा? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। हाँ ठीक है, मैं मान लेता हूं। क्या कर लेता हूं? मैं मान लेता हूं कि हनोक उठा लिया गया, एलिजा उठा लिया गया। चलो मैं मान लेता हूं कि उठा लिया गया। पर अगर हम जैसे अभी थीबी योशुआ के बारे के स्वर्ग में जश्न मनाया जा रहा, उनके क्या जा रहा है? जश्न मनाया जा रहा है। तो अभी हम एक वचन और देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 15 उसकी 50 से यहां पे लिखा, हे भाइयों, मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है जे नाशवान दे अविनाश को पहन ले और ये मरण दे अमरता को पहन ले। आमीन। कैसी? ये सब कुछ ऐसे पॉलस ने क्रंथियस के लोगों का है कि तुरी फूकी जब जाएगी, हाँ क्या जाएगी? अंतम तुरी फूकते ही ये सब कुछ होगा और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्या जाएंगे? हम सब बदल जाएंगे। जैसे बाइबल बताती है ना कि जो लोग अभी मसीह में मर रहे हैं, जहां जो अन्य जाति में है, जो अन्य जाति है जो नहीं जानते, वो सब एक स्थान है अधोलोक। क्या है? जिसमें सब मृत्यु का प्राण वहां पे पहुंच जाता है। और यहां पे लिखा कि उस दिन हम एक नई देह से, कैसे कैसे लिखा, नई देह से हम
कैसे? मूर्ति अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकदम बदल जाएंगे। और कुछ लोग हम सब कहता सोए नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? हम सब सोए नहीं रहेंगे, उस अंतम दिन छिलाए जाएंगे। क्यों लिखा है? कि यीशु मसीह के आगमन उसके दिन मुर्दे कब्रों में से उठ खड़े होंगे। क्या होंगे? मुर्दे कब्रों में से उठ खड़े होंगे। समझ आ रही है? और अभी परमेश्वर के दास बहुत ही कच्चे और नेक, जिन्होंने अपने जीवन के इस सब सफर को बाखूबी बहुत ही अच्छे और नेक आराध्य से परमेश्वर की सेवा को पूरा किया, किसी अपने काम के लिए नहीं। बोलो क्या है? जैसे हमें आज विश्वासियों को अपनी अपनी जरूरत के लिए, हाँ, अगर उनका काम हुआ तो विश्वास करेंगे, अगर नहीं हुआ तो मन खराब करेंगे। अभी अभी टीवी यहोशुआ का कोई बेटा भी नहीं, उसकी बेटियां हैं। क्या है उसकी? पर उसकी सेवा के कार्यों को देखो तो इतना बड़ा है ना, उसने लाखों रूहें बचाई, लाखों। क्या भी परमेश्वर उसे बेटा नहीं दे सकता? पर उसने किसकी इच्छा, किसकी मर्जी को पूरा किया? हा? जो पवित्र आत्मा ने उसे कहा उसने वही चीज की। जैसे फिलिपुस एक भविष्यता था, उसकी भी बेटियां थी और लिखा वो भी एक प्रॉफिट थी, भविष्यता थी, वो भविष्यवाणी करती थी, उसका भी कोई बेटा नहीं था, पर वो भी किसकी सेवा करता रहा? आज आज देखो विश्वासियों की सेवा, हाँ। और ये नहीं है कि परमेश्वर दे नहीं सकता, वो सब कुछ करने की क्या रखता है, सामर्थ रखता है, हाँ? पर आपने सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को अनुभव करना है, उसके साथ जीना है, जैसे टीवी यहोशुआ जी है, हाँ? लाखों लाखों रूहें बचाई उन्होंने, और उनका इतना स्ट्रगल था, इतनी मेहनत की उन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा मेहनत की उन्होंने अपनी लाइफ में, और किसी भी चीज के लिए अपना मन नहीं खराब किया। वहां से हालात उनकर आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए, बहुत हालात आए। लिखा जो चर्च उन्होंने पहला बनाया वो टूट गया, पूरी तरह से बारिश से वो पूरा खराब हो गया। फिर उन्होंने नया चर्च बनाया। क्या बनाया? वो अच्छा खासा चल रहा था और वो भी तूफान आया और वो भी क्या हो गया, लोग बड़े, चर्च बड़ा, और वो मेहनत करते रहे। क्या करते रहे? वो मेहनत करते रहे, समझते हो? आराज उन्होंने अपने सेवा के कार्यों को पूरा किया। क्या किया है? पर मैं एक चीज कर आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी सेवा के कार्यों को तो पूरा किया है, पर आज वो सो गए। क्या गए? और जैसे लिखा कि हम सब उस दिन, कैसे कहता है, तुरी फूकते ही सब बदल जाएंगे। हाँ, अभी हनोक और एलिजा का क्या है, मुझे भी अच्छे से, मैं भी ये बात ऐसे कहूं कि नहीं, एलिजा और हनोक स्वर्ग पर नहीं गए, क्योंकि बाइबल में लिखा यूहन्ना कहता है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल यीशु जो स्वर्ग से उतरा और वही चढ़ा, उसके अलावा आज तक कोई नहीं चढ़ा। हाँ, फिर ये बात ऐसे हो जाएगी कि मैं अकेला ही लोगों से लड़ने वाला ठहर जाऊंगा। हाँ, समझ आ रही है? और कुछ बातें भेद की बातें जो मनुष्य की समझ से बाहर है। जैसे यीशु मसीह, जब हम प्रेरितों की बुक में उसका दो अध्याय, नहीं सॉरी, एक की ऐसे आठ और सात में, तो वहां पे ऐसे यीशु मसीह के चेलों ने कहा, क्या तू इज़राइल को राज्य अभी देगा? तो यीशु मसीह ने कहा, जो बातें परमेश्वर ने अपने ही वश में रखी उन्हें सब बातों को हमारा जानना काम नहीं। हा? तो कुछ चीजें ऐसे भी, उनका क्या हुआ ये अंतिम दिन बताएगा। पर बाइबल ये भी बताती है कि अगर यीशु मसीह कह रहा है कि स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा, क्या नहीं चढ़ा, तो इसे पता चलता है। पर वो आज मसीह में सो गए,
क्या गए हैं, सो गए हैं, सो, समझते हो। अभी जैसे अगर हम, अगर मैं अगर ऐसे कह रहा हूं तो लूका, लूका की पुस्तक उसकी 23 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसकी 39 आयत से, जहां पे एक लाजर, क्या है, नहीं सॉरी ये नहीं, 20 भी नहीं, 16 की 19, यहां पे एक लाजर कंगाल जो फोड़ों का ऐसे था भरा हुआ, उसका एक दृष्टांत कहा था, क्या था, जो एक धनवान की मेज के बाहर उसकी जूठन से अपना पेट भरता था, क्या भरता था, अपना पेट भरता था। हा? तो धनवान तो अपने सुख विलास दिन के जीवन जी रहा था, और वो लाजर जो परमेश्वर पर विश्वास करता, जो फोड़ों से गांव से भरा हुआ था, पर लिखा बाइबल बताती वो भी मरा और वो भी भरा, क्या मरा, पर लिखा कि वो धनी जो बैंजनी रंग के कपड़े अपना जीवन सुख बिलास के साथ उस समय भोग रहा था, मरने के बाद लिखा वो नरक में चला गया, पर लाजर अब्राहम की गोद में, कहा किसकी गोद में, अब्राहम की गोद में चला गया। और जब उस बंदे ने उस पाताल से, उस नरक से, बोलो क्या है, नरक से अपनी आंखें उठाकर देखा कि लाजर अब्राहम की गोद में है, तो उसने ऐसे कहा कि परमेश्वर से विनती की कि लाजर को भेज, मैं यहां पे तड़फ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं तड़फ रहा हूं। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि ये अब ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हारे और मनुष्यों में एक खड्ड है, अब वो तेरे पास नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता, तेरे पास नहीं आ सकता। फिर उसने कहा इसे भेज ताकि ये अपनी उंगली का एक सिरा, एक फोटा भी ऐसे पानी में भगोकर मेरी जीभ को लगा दे, मैं यहां पे तड़फ रहा हूं, ताकि मेरा जी ठंडा हो जाए। उसने कहा नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, समझते हो। ये बात जब यीशु मसीह ने कही तो लोग, आज भी जब हम पढ़ते हैं तो लोग सुनते हैं कि लाजर भी स्वर्ग में चला गया और वो धनवान नरक में, बोलो वो धनवान नरक में। आज जितने मृत्यु हैं कोई नरक में नहीं जा रहा, ये एक सिर्फ एक दृष्टांत है, क्या है, एक दृष्टांत है, दृष्टांत, एक वाक्य लोगों को सिखाने के लिए, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करने के लिए ये चीज लिखते हैं, ताकि वो कोई गलती ना करे अपने जीवन में, कोई पाप ना करे। मैं सच्ची कहता हूं कि ये एक सिर्फ दृष्टांत है, दृष्टांत, क्योंकि जितने आज मसीह में मर रहे हैं, जब बाकी लोग हैं, कोई नरक में नहीं जा रहा। ये नरक और स्वर्ग का जो दिन है, जब यीशु मसीह अपने आगमन में आएगा, ये न्यायों के दिन तय होगा कि कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे, कितने लोग नरक में जाएंगे। अभी कोई भी नरक में जा, ये सिर्फ एक दृष्टांत है लोगों को समझाने के लिए, जो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, ये एक दृष्टांत है, समझ आ रही। जैसे अगर हम लूका 23 में उसकी 39 से 43 तक पढ़ते हैं, मन फिराने वाला कुकर्मी, एक डाकू, जो जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो उसके साथ दो डाकू थे, एक उसके दाएं और एक बाएं। एक ने निंदा की और उसे कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा, और दूसरे ने कहा नहीं, उसे दूसरे ने डांटा कि तू ऐसे क्यों कहता है, तुझे डर नहीं लगता, तुझे ऐसा, तू उसे ऐसा क्यों बोलता है। और दूसरे ने अपना मन फिराया और यीशु को क्रूस पर ही उसे कहा, जब तू अपने राज्य में आए मेरी शुद्धि लेना। आमेन। क्या लेना, जब तू अपने, एक ने तो क्या की, निंदा की, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचाता क्यों नहीं है, और दूसरे ने डांटा कि तू ऐसे क्यों करता है। फिर उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी शुद्धि लेना। और यीशु मसीह ने उसे कहा, अगर वहां पे हम पढ़े
लुका 23 में, तो वहां पे ऐसे एक शब्द है लुका 23 की 43 में ऐसे लिखा, उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जी आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोगा। जैसे आज अगर हम कोमा डालते हो ही शब्द को, क्योंकि शुरू में जब ये वचन लिखा गया जुनानी शब्द में ओरिजिनल टेस्टमेंट में ये था थी है ही शब्द नहीं थे। क्या नहीं थे? जैसे आज हिंदी और पंजाबी की बाइबल में था थी है, ये शब्द ओरिजिनल टेस्टमेंट में नहीं थे। तो ही शब्द ये ट्रांसलेट ने इसे जोड़ा है। तो अगर हम कोमा डालते हैं मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही, आगे कोमा, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, मतलब इसका कि मैं तुमसे कहता हूं कि आज ही से मैं तुझसे वादा करता हूं कि जब मैं अपने राज्य में आऊंगा तो तू मेरे स्वर्ग लोक में मेरे साथ होगा। ये बात है। और ये नहीं कि जैसे हाँ जैसे अभी कि टीबी यहोशुआ एक प्रॉफिट खुदा के बहुत ही अच्छे दास हैं तो वो स्वर्ग में चले गए, नहीं वो स्वर्ग में नहीं, बोलो क्या है, वो स्वर्ग में नहीं, वो कहां पे, परमेश्वर की ठहराई हुई एक उसकी जो जगह जिसे हम क्या बोलते हैं, अभी मैं कह रहा था उसे मैं भूल गया, अधोलोक, हाँ सॉरी अधोलोक परमेश्वर की ठहराई हुई एक जगह है जिसमें सब मृत्यु चले जाते हैं, और वहां पे परमेश्वर के दास टीबी यहोशुआ भी वहां पे चले गए। पर जब यीशु मसीह अपने आगमन में आएगा, क्या आएगा, अपने आगमन में आएगा, तो वो सब अधूरी बातें उसे पूरा करेगा। जैसे आज है ना, ये बहुत बातें अधूरी है, जब अब हमें समझ नहीं आ रही क्या होगा, कैसे होगा। और इसी लिखा अनपढ़ गवार लोग तो इसे समझ भी नहीं सकते, हाँ ये क्या कहती है, ये मैं क्या बोल रहा हूं, अनपढ़ गवार तो समझेंगे भी नहीं ये बात। मैं ये क्यों कह रहा हूं अनपढ़ गवार, अनपढ़ का मतलब वो अपने मन को ऐसे रखेंगे कि नहीं हम तो पढ़े नहीं हम कैसे समझे, तो ये गवार पन्ने वो भी समझ सकते हैं अगर वो समझना चाहते हैं। समझते हो, समझ आ रही है? तो अभी वो वहां कहां पे है, अधोलोक में, समझते हो। और जितने आज मसीह में सो रहे हैं सब बाकी भी सब अधोलोक में जा रहे हैं, पर जो लाजर की बात है कि वो स्वर्ग में उसे देखा गया अब्राहम की गोद में और लाजर नरक में, अभी कहां नरक है, ये तो जब यीशु मसीह आएगा तब की बात है, अभी कुछ नहीं है, अभी कोई नरक नुरक नहीं है। ये तो एक दृष्टांत है हमें समझाने के लिए ताकि लोग अपने आप को तैयार करें और कोई पाप ना करें, ये बात है। हाँ जैसे लुका 20 में एक और वचन देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए सारा। हाँ लुका 20 इसकी एक से पढ़ते हैं, तो यहां पे लिखा एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा था और शुभ समाचार सुना रहा, तो प्रधान जाजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे हमें बता तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, वह कौन है जिससे तुझे ये अधिकार दिया। उसने उनको उत्तर दिया मैं भी तुझसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से। तब वे आपस में कहने लगे यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा फिर तुम उसकी प्रतीति क्यों नहीं की, और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भिक्षुकता था, क्या था। अतः उन्होंने उत्तर ना दिया हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं।
आमीन। तो अभी यहां पे कुछ शास्त्रियों और पुरनियों ने यीशु को परखने के लिए यह बात कही कि हमें बता कि यूहन्ना का ये जो तू काम करता है किसके अधिकार से और कौन तुझे ये कहता है बता। तो यीशु ने आगे से कहा मुझे बताओ कि जो यूहन्ना का बपतिस्मा था स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की। हाँ, वो सोचने लगे कि हम अगर कहें स्वर्ग की ओर से तो फिर वो कहेंगे फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया, अगर हम कहें मनुष्य की ओर से तो वो फिर पथराव करेंगे। फिर उसने कहा मैं भी नहीं तुम्हें बताना। हाँ, ये मैं चीज क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, जैसे अभी अभी कुछ लोग उलझन में पड़े होंगे ना, जब जैसे अभी यूहन्ना कहता है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वह जो स्वर्ग पर उतरा वही स्वर्ग पर चढ़ाए, कोई नहीं, उसके अलावा कोई भी स्वर्ग पर चढ़ा तो भी ये बात ऐसे हो जाएगी कि फिर हनोक कैसे चला गया, एलिजा कैसे चला गया। कुछ बातें ऐसे गंभीर हैं जिसे मनुष्य को समझना क्या है। हाँ, पर जब स्वर्ग सिद्ध आएगा तो अधूरापन लिखा मिट जाएगा। क्या हो जाएगा? अधूरापन मिट जाएगा, मिट, समझते हो? इसीलिए उसने कहा प्रार्थना करते रहो। क्या रहो? प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। क्या ना पढ़ो? प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं पूरा। हाँ, ये 21 इसी लूका का 34 और 35। इसलिए सावधान रहो ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो। आमीन। क्या बनो? कि तुम्हारे मन खुमार, समझते हो, मतवालेपन और तुम जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाओ, सावधान, ऐसा ना हो कि वो दिन फंदे के समान आपके ऊपर आ पड़े। इसलिए उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली घटनाओं से क्या है, बचे रहो। समझ आ रही है? आने वाली घटनाओं से जो आने वाली, जैसे अभी अभी ये दूसरा कोरोना की लहर है, अभी लोग बोल रहे हैं कि तीसरी इससे भी खतरनाक आने वाली है। हाँ, ये दूसरी लहर है कोरोना की, अभी तीसरी आने वाली वो इससे भी ज्यादा है। पर परमेश्वर कहता है कि सावधान, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब ये नहीं है कि सारी रात सोना नहीं है, जागने का मतलब इन बातों में जो आपके ऊपर होने वाली है इनसे जागो, इनसे जागो ताकि तुम उस परीक्षा में ना पड़ो। समझते हो? जैसे टीबी यहोशुआ अपने जीवन का सफर पूरा कर परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान अधोलोक में चले गए। क्या चलेंगे? और अंतम न्याय के दिन तुरी फूकी जाएगी, जब बाइबल बताती है कि मुर्दे कब्रों में से उठ खड़े होंगे। क्या होंगे? और तब परमेश्वर के धांस, हाँ, जिन्होंने अपने जीवन की इस सेवा को पूरा किया, उस दिन परमेश्वर, जैसे दाऊद कहता है, सॉरी प्रेरित पॉल कहता है कि आपको एक जीवन का मुकुट मिलेगा। क्या मिलेगा? वो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। क्या वो मुकुट? मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। परमेश्वर हर एक को देगा। क्या देगा? हर एक को देगा, हर एक को। समझ आ रही है? क्या देगा वो? वो हर एक को वो मुकुट देगा जो उस पर विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? वो हर एक को वो मुकुट देगा स्वर्ग में, और परमेश्वर के दास को भी, जिन्होंने अपने उस सेवा को और मसीह जीवन को समझा। हाँ, जैसे आज लोग बहुत से नहीं समझते कि मसीह जीवन क्या है,
हमें परमेश्वर ने अंधकार से क्यों बुलाया? क्यों दाऊद कहता है कि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता? अधोलोक मतलब जब बंदा, जब जैसे टीबी जोशुआ अभी अधोलोक में चले गए, तो वो अभी कोई धन्यवाद, कोई प्रार्थना नहीं, कोई जो उन्होंने अपने जीवित रहते समय जो काम किए अब नहीं वो कर सकते। इसलिए दाऊद कहता अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते। यशाया नबी ने कहा ऐसे, उसने कहा कि मरने के बाद, कब्र में पड़ने के बाद तेरा स्मरण नहीं होगा, मतलब फिर उसके बाद तेरी महिमा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? जब हम कब्र में चले जाएंगे तो उसके बाद उसकी महिमा नहीं होगी। वो कहता मैं जीवित ही परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ, क्योंकि जब इंसान कब्र में चला जाएगा फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा आपके जीवित जीते जी होगा। इसलिए पौलुस कुरिन्थियस के लोगों को कहता जो अनुग्रह तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना करो। क्या ना करो? लगे रहो। ये मतलब है जो लुका ने कहा, सावधान, तुम्हारे मन खुमार, जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाएं। ऐसा ना वो दिन अचानक एक फाही के समान आपके ऊपर, फंदे के समान आ पड़े। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचे रहो। समझते हो? समझ आ रही है? इसलिए वो कहता जीवित ही परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि कब्र में पड़ने के बाद फिर उसकी सच्चाई की कोई आशा नहीं रखता, फिर उसका कोई धन्यवाद नहीं कर सकता। जो कुछ भी हमने अपने जीवन में करना है जीते जी करना है। इसलिए मैं जब भी प्रार्थना में बैठता हूं तो मैं परमेश्वर से, मेरी जी चाहत है कि परमेश्वर मुझे ज्यादा इस्तेमाल कर, तेरी इच्छा क्या है। ऐसा ना हो कि मैं अपनी बुद्धि में जो कुछ भी करता हूं मैं सोचूं सही है, पर तू मुझे बता, तेरा अनुग्रह मैं व्यर्थ नहीं चाहता। क्या नहीं है? क्योंकि अभी अभी मेरी हड्डियों में जान है, आने वाले 20 सालों में मैं, क्योंकि शरीर है, क्या है मतलब, आने वाले 20 सालों में जो चीज आज मैं भाग दौड़ के कर सकता हूं तब नहीं कर सकता। तो मेरी परमेश्वर से चाहत है कि परमेश्वर, क्या है मेरी चाहत है परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ज्यादा इस्तेमाल कर, मैं तेरे अनुग्रह को व्यर्थ नहीं चाहता। हाँ, क्या नहीं चाहता? जो तेरी इच्छा है मेरे जीवन से तू पूरी। समझो? समझ आ रही है? इसलिए जिसको भी परमेश्वर ने बुलाया है, इसलिए बाइबल बताती है अपनी बुलाहट पर ध्यान दो, समझो वो क्या चाहता। इसलिए वो कहता तुम्हारे मन खुमार, जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए। इसलिए बाइबल बताती अपने बुलाए जाने को, चुन लिए जाने को ध्यान करो परमेश्वर क्या चाहता है। अपनी प्रार्थना करनी, रोज रोज धन्यवाद करना, परमेश्वर आप बताओ आपकी क्या इच्छा है, मेरे जीवन से आप क्या चाहते हैं, देखना परमेश्वर आपको बताएगा। मैंने कहा ना, मैंने पहले बताया, परमेश्वर अपने आप कुछ नहीं करेगा। जब तक हम अपना मन नहीं खोलेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। समझ आ रही है? अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे। क्या करेंगे? अगर आप ऐसा करोगे तो मैंने कहा परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं आज से। तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर भी तैयार है। मैंने कहा आप तैयार हो तो परमेश्वर भी तैयार है। टीबी यहोशुआ, हाँ, जो खुदा के बहुत ही कच्चे और नेक इंसान, उन्होंने अपना सफर पूरा कर लिया, उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। जैसे प्रेरित पॉल ने तिमोथियस को कहा, हाँ, कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर लिया, मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। बोलो क्या? अब मेरे गैरिये मतलब मेरे कूच होने का समय है। क्या है? मेरे कूच होने का समय आ गया है। तू अपनी लड़ाई लड़ और उस जीवन को धर ले, उस जीवन के मतलब धर ले, मतलब उस जीवन को ले ले। मैंने अपनी उस दौड़ को पूरा किया है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। समझ आ रही है? अब तेरी बारी है। क्या बारी है? अब तेरी बारी है। मेरे लिए तो जीवन में
पलस ने तिमोथियस को कहा, मेरे लिए तो वहां पे धर्म का वो सच्चाई का जो परमेश्वर उस दिन प्रकट होगा तो मुझे देगा। कहता मुझे नहीं, बाकी भी जो लोग मेरे समान उसे प्रिय जानते उन्हें भी देगा। हमें आप सबको भी वो देगा। जीवन का मुकुट जब यीशु मसीह अपने आगमन में अपने उस क्यामत के दिन वो आएगा, क्या आएगा? आपको वो मुकुट देगा। आप चाहते हो लेना उस मुकुट को? चाहते हो? त्यासे ऐसे ही अपने जीवन को तैयार रखना और परमेश्वर की इच्छा को समझना और उसकी सेवा में लगे रहना। आमेन, हालेलुया।